बागेश्वर के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के उत्तरायणी मेले को भव्य तरीके से मनाने को लेकर यहां प्रशासन व अन्य संगठनों की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में तय किया गया कि इस बार नदी में दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। यहां बता दें कि सरयू तट पर दुकानें लगाने का स्थानीय व्यापारियों सहित अन्य धार्मिक संगठनों का भी विरोध रहा है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने इस संबंध में सहमति जताते हुए सरयू बगड़ में दुकानें नहीं लगाने का आदेश दिया है। बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, अलाव व्यवस्था, सजावट आदि पर भी मंथन करते हुए उत्तरायणी मेले को भव्य व आकर्षक बनाने पर विचार किया गया। विधायक पार्वती दास सहित दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल, बागनाथ मंदिर के पुजारी नंदन सिंह रावल ने भी मेले को भव्य व आकर्षक बनाने पर अपने सुझाव दिए। हर साल उत्तरायणी मेले में श्री बागनाथ मंदिर को प्राकृतिक फूलों से जो है हम व्यक्तिगत अपने संसाधनों से सजवाते थे, लेकिन अभी हमारी जो कमेटी है, कमेटी के पास पैसे की कमी होने के कारण इस बार हमने प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदया से निवेदन किया है कि इस बार प्रशासन जो है बागनाथ मंदिर को भव्य रूप से प्राकृतिक फूलों से सजाए, और जिलाधिकारी महोदय ने जो है उसमें अपनी सहमति प्रदान की है। हम जिलाधिकारी महोदया के जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने कानून और ट्रैफिक व्यवस्था, महिला सुरक्षा के बारे में पुलिस का प्लान बताया। तो बहुत बार देखा जाता है बाहर से भी कोई चोर चकार आ जाए, इसलिए शादी वस्त्रों में भी भीड़भाड़ के इलाकों में पुलिस का ड्यूटी लगती है, और महिलाओं की विशेषकर सब तरफ ड्यूटियाँ लगाई जाए। ये उत्तरायणी मेले की जो बैठक हुई है, सबसे पहला तो इसमें डिसीजन यही निकला है कि जो इसकी अवधि रहेगी वो 7 दिन की अवधि रहेगी। पिछली बार 10 दिन थी, क्योंकि 2 साल से मेला नहीं हुआ था इसलिए अवधि थोड़ी बढ़ाई गई थी, अन्यथा ये हमेशा 7 दिन का मेला रहता है, तो 7 दिन की अवधि रखी है। दूसरा एक जो बड़ा मेजर डिसीजन ये था, क्योंकि हाई कोर्ट की PIL इसमें हुई है कि सरयू बगड़ में ये मेला नहीं होता था, सरयू बगड़ में को साफ रखा जाए तो वहाँ पर दुकानें ना लगे, तो हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देशित किया है कि इसके लिए अन्यत्र जगह का स्थल का चयन करते हुए इसको हमें अवगत कराएं। तो आज एक टीम गठित की गई है जिसमें SDM, CEO और नगर के कुछ लोग जो अन्य जगह हैं वहाँ पर चिन्हित करते हुए कहाँ पर दुकानें हमारी लग सकती हैं और मेला भी हमारा डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे और शांति कानून व्यवस्था भी बनी रहे, उसको देखते हुए वो आज ही हमें स्थल का आख्या पुटअप करेंगे। बाकी जो पिछली बार इवेंट्स रहे थे वो इवेंट्स एज इट इज़ रहेंगे, और नया हम क्या कर सकते हैं इसमें ये हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरा जो नया करने के लिए, हम एक नगर को एक भव्य रूप देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे देहरादून में और ऋषिकेश में पूरा एपन पर आधारित बोर्ड लगाया गया है, उसी आधारित हम सभी दुकानों पर वो बोर्ड लगाने का प्रयास करेंगे। हमने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है, तो हम उत्तरायणी से पहले कोशिश करेंगे कि एक फेज जो हमारा बागनाथ मंदिर तक जाता है वो उस पर कार्य हो जाए, ताकि उसको हमें पता भी चल जाए, फीडबैक भी मिल जाए कैसा लोगों का उस पर प्रतिक्रिया है, और हम पूरे फिर नगर एरिया के लिए उसको टेकअप कर सकें। तो ये चीज़ें हमारी इस बार खास रही। देखिए अभी तक तो जो सांस्कृतिक कमेटी जो है हमारी समिति है वो डिसाइड करेगी, लेकिन उत्तराखंड की थीम तो आधार रहेगी। उत्तराखंड की भी हम वैरायटी संस्कृति, चाहे वो गढ़वाल हो, जौनसार हो, हमारी रंग समुदाय हो, और कुमाऊनी तो हमारा यहाँ पर बेस है ही, तो मेजर तो कुमाऊनी बेस ही रहेगा, लेकिन बाकी उत्तराखंड की जितनी भी संस्कृति है उसको भी दर्शाते हुए हम इसमें करेंगे। और अगर सांस्कृतिक समिति बोलती है कि कोई बाहर का बड़ा मेजर आर्टिस्ट आना चाहिए, कलाकार आना चाहिए, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।